वॉच गुड दिस इज रिज वेज म्यूजिक प्रोड्यूसर साउंड इंजीनियर वेलकम बैक टू इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर रिएक्ट। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, ईद ईद की बहुत 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 शुभकामनाएं, ईद मुबारक टू एवरी वन। मे गॉड गिव यू अ वेरी हेल्दी लाइफ, प्रॉस्परस करियर एंड मे योर नेम शाइन फॉर 1000 ईयर्स इन टू हिस्ट्री। तो यस, ईद आ गई है और मैं आई एम सो सॉरी, ईद में एक महीना मैं म्यूजिक पर काम ही नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। ईद के एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते यूजली रमजान में एक हफ्ते पहले से मैं काम बंद कर देता हूँ एंड देन रमजान के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्ट माई वर्क अगेन इन टू म्यूजिक। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, यश अंकित, प्रसिद्ध भाई, शाउट आउट टू इमरान भाई एंड सो मेनी ऑफ यू हु वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन कॉन्टैक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। और जब मेरे को यश अंकित, हमारे कैन बी फ्यूचर यासिन भाई सेंट मी स्टोरी अबाउट की गाना ड्रॉप हो रहा है, सर लाइक ओके वाई नॉट लेट स्टार्ट विद दिस। तो बकरा ईद के ऊपर हम लोग ने मचाएंगे 4 रिएक्ट किए थे और रमजान ईद के ऊपर ही बॉट अ सॉन्ग कॉल्ड छोड़ डाला। आई मीन इट्स लाइक छोड़ डाला ही होगा, वो वाला नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो गाना जस्ट ड्रॉप हुआ है, लेट्स सी, अभी भी वो प्रीमियर पे बता रहा है, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स ऑन प्रीमियर और नॉट। तो आप अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आई सी रिएक्ट सॉन्ग ऑन 5 एलिमेंट म्यूजिक मिक्सिंग मास्टर लिरिक्स डिलीवरी फ्लो एंड वाइब। ठीक है, और अगर आप हिप हॉप फैन हो, आप म्यूजिक फैन हो, DHS फैन हो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो ही सब्सक्राइब करना। अगर आपको लगता है कि मेरा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगा तो ही सब्सक्राइब करना, और अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर देना, डिसलाइक अगर गाना पसंद नहीं आया तो एमवीए बनता है कि वीडियो पे जाकर डिसलाइक करना, मेरी वीडियो डिसलाइक करने का कोई सेंस नहीं, राइट, फेयर इनफ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। गली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफी चिपकाया उसकी बड़ी ली को छोड़ डाला, एरिया में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था, सिगरेट भी छोड़ डाला। गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफी चिपकाया उसकी बड़ी ली को छोड़ डाला, एरिया में He said पटेली को छोड़ डाला, he's like वो छोड़ डाला नहीं बोल रहा है, वो what we actually think वो वही word play है। छोड़ डाला, गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे चिपकाया उसकी बड़ी ली को छोड़ डाला, एरिया में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था, सिगरेट भी छोड़ डाला, छोड़ डाला, बुरा संगत मैंने छोड़ डाला। मेरी माँ को तो पसंद है, कोई मेरी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं पीता हूँ, आई एम सो सॉरी, कमिंग बैक टू द पॉइंट। छोड़ डाला, सिगरेट भी छोड़ डाला, छोड़ डाला, बुरा संगत मैंने छोड़ डाला, छोड़ डाला, छोड़ डाला, नफड़े झगड़े करना छोड़ डाला, छोड़ डाला, छोड़ डाला, नशे वशे करना भी छोड़ डाला, छोड़ डाला, छोड़ डाला, बुरा संगत मैंने छोड़ डाला। ये म्यूजिक ट्रैप म्यूजिक है, प्रोड्यूस बाय लोगन जैसी, और ये टिपिकल द बेबी स्टाइल बीट, इसको द बेबी स्टाइल बीट बोलते हैं, जहाँ पे एक फ्लूइड बजता है और बहुत मेलोडिक होती है, कभी कभी कॉमिकल भी होती है। अगर आपने बॉप ऑन ब्रॉडवे सुने हो तो सिमिलर वाइब है, सिमिलर बीट है, ट्रैप। क्या बोलते तुम, अपुन भी संगत में हो गए थे घूम, घसते थे मलते थे बनती थी बूम, बदीरे में रहता था नशे में झूम, पी रहा था फूक रहा था, फूक रहा था, सूख रहा था, दिल मेरा दुख रहा था, सोच रहा था क्या कर रहा मैं, पर लगता था यही छे लाइफ, नशे में था कैसे करता डिसाइड, फिर मुंह पे बड़ा फाइट, बेड़ा समझा मैं लाइफ, आस पास सब मेरे नशे से कर रहे थे प्यार, अपना भी वही था वाइब, म्यूजिक बना रहा था, बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहा था, शैतान था साथ में, नशे में घेरा था, देखता जब चेहरा था आईने में, सोचता था कब आऊंगा कायदे में, लोग यहाँ फायदे में, साथ में रह What a flow, यार, what a flow, constant chopper, constant, and then he goes, जो classic है, ABAB scheme पे, and then again switch back to chopper again, what a nice flow, यार. Music बना रहा था, business पे ध्यान नहीं दे रहा था, शैतान था साथ में नशे. ना 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 रहा था, ना 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 दे रहा था, ना 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 दे रहा था. मैं घेरा था, देखता जब चेहरा था आईने में, सोचता था कब आऊंगा कायदे में, लोग यहाँ फायदे में, साथ में रह रहे थे, आया जब होश तो सब साले बह रहे थे, सुन रहे नहीं बात, बन रहे थे सेठ, मैं सिर्फ एक जरिया जो भर रहा था पेट, समझा मैं लेट तो बंद करा गेट, वड गए सब अब कर रहे ले हेट, मेरा अलग है रास्ता, मैं नहीं करा रेस, सोबर हूँ लाइफ में, ग्लो ऑन माय फेस, शुक्र है उन पलों को, दैट वाज अ फेस, या गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे चिपकाया उसकी बड़ी ली को छोड़ डाला, एरिया में अल्टर था, बड़ी ली को छोड़ डाला, वी सेइंग
गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे चिपकाया उसकी पटेली को चोट डाला, एरिया में एल्डर था गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था सिगरेट भी छोड़ डाला, गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे चिपकाया उसकी पटेली को चोट डाला, एरिया में एल्डर था गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था सिगरेट भी छोड़ डाला, छोड़ डाला बुरा संगत मैंने छोड़ डाला, छोड़ डाला छोड़ डाला, नफड़े झगड़े करना छोड़ डाला, छोड़ डाला छोड़ डाला, नशे वशे करना भी छोड़ डाला, छोड़ डाला छोड़ डाला, बुरा संगत मैंने छोड़ डाला, छोड़ डाला। जितने भी एरिया के लड़के लोग सुन रहे ले मेरे को, नशा के दर पे नहीं ले जाएगा ते को, स्पीड खराब आते आज नो कैप, हाँ ले जाएगा एक ही जगह वो है रिहैब, उससे अच्छा अभी डैम डैम। मैं इसलिए बोलता था कि व्हाई रैपर डोंट टॉक अबाउट सोशल टॉपिक्स, अबाउट ड्रग्स अब्यूज एंड ऑल दैट स्टफ, हियर इट इज। मैं हमेशा हमेशा बोलता हूँ कि भाई रैप में आपका मेन फंडामेंट होना चाहिए, आप सोशल टॉपिक्स पर बात करो, स्पेशली बड़े इन्फ्लुएंस रैपर्स हैं, वो अगर बात नहीं करेंगे तो फिर कौन बात करेगा। एंड हियर इट इज इज डूइंग इज टॉकिंग पीपल टेलिंग पीपल कि भाई नशे पानी से बाहर निकलोगे, ओनली एंड इज रिहैब, एंड आई हैड फ्रेंड्स हु एंडेड अप इन रिहैब एंड देन लिटरली दे वर नॉट एबल टू कोप, नशा पानी छोड़ नहीं पाए, वन ऑफ द गाय कमिटेड सुसाइड एज वेल। तो लॉन्ग टाइम बैक, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, I completely agree with this and this is what I want, यही होना चाहिए हिप हॉप में कि आप एक सोशल टॉपिक को या सोशल मैसेज को डिलीवर करो आपकी आवाम को या आपकी पब्लिक को या आपके लोगों को। जितने भी एरिया के लड़के लोग सुन रहे ले मेरे को, नशा के दर पे नहीं ले जाएगा ते को, स्पिट करा बातें आज नो कैप, हाँ ले जाएगा एक स्पिट करा आज बातें नो कैप, स्पिट करा बातें आज नो कैप, नो कैप ओके, सबलिमिनल भी हो सकता है, I'm not sure। मैं को नशा के दर पे नहीं ले जाएगा ते को, स्पीड करा बातें आज नो कैप, हाँ ले जाएगा एक ही जगह वो है रिहैब, उससे अच्छा अब भी से सुधार, सुन मेरे जिगर तेरा तू लिकार, मिटाने फिकर पर मिट रेला तू, होश में रहने को डर रेला क्यों, होशो आवाजों में रहने का हिसाब लगा, जितना नशा तू महीने का कर रहा है उतने में किसी का घर चलेगा, नशा करने पैसा तू घर से लेगा, उससे अच्छा दो वक्त की रोटी कमा, छोटी कमाए फैक्ट 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 फैक्ट, नशा करने पैसा तू घर से लेगा, उससे अच्छा दो वक्त की रोटी कमा, छोटी कमाए फिर मोटी कमाए, समझे बमाए, शुरुआती नीचे से पीछे से खींचने वाले यहाँ बहुत है, देखो नहीं मालूम तू पैदाइशी गोट है, आसपास दस नहीं दो तीन लोग बहुत है, इंसान की चलती नहीं चलता सिर्फ नोट है, ऊपर से अच्छा क्यों दिल में जब खोट है, तूने ये नशा देखो करेला छोट है, हर एक लाइन इस गाने का कोट है, डिसिप्लिन होना पड़ेगा कुछ करने को, नाम बना दुनिया में एक दिन तो मौत है, गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे चिपकाया उसकी पटेली को छोड़ डाला, एरिया एल्डर था गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था सिगरेट भी छोड़ डाला, गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे चिपकाया उसके पटेली को छोड़ डाला, एरिया में एल्डर था गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था सिगरेट भी छोड़ डाला, छोड़ डाला बुरा संगत मैंने छोड़ डाला, छोड़ डाला छोड़ डाला, नफड़े झगड़े करना छोड़ डाला, छोड़ डाला अब पॉज करो सॉरी, बट मैं ये पॉइंट पे आऊंगा वापस अराउंड 2:09 पे, कुछ टेक्निकल मैं डिस्कस करता हूँ उसके ऊपर, वेलकम बैक। छोड़ डाला नशे वशे करना भी छोड़ डाला, छोड़ डाला छोड़ डाला, बुरा संगत में नहीं छोड़ डाला, छोड़ डाला। डैम सो ईद का तोहफा है ये एमवीए बंटा की तरफ से, let's try to understand कि ये justified है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बीट के बारे में मैंने बताया, ये ट्रैप बीट है जो टिपिकल द बेबी स्टाइल बीट है, ठीक है, जहाँ पे एक फ्लूड एलिमेंट होता है, एक कॉमिकल एलिमेंट होता है जो आपको वो गैस करने नहीं देगा कि मैं अभी मूड फनी है, कॉमिकल है, सीरियस जाएगा या एग्रेसिव जाएगा, ठीक है, वो एक सेम मेलोडी पे चलता रहेगा थ्रू आउट द सॉन्ग। अगर आप, मैंने जैसा एग्जाम्पल बताया बॉप ऑन ब्रॉडवे, अगर आप सुनोगे तो टिपिकल सेम काइंड ऑफ सेम केडेंस सेम स्टाइल टाइप ट्रैप बीट है, ये द बेबी स्टाइल है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट मिक्सिंग मास्टरिंग, मिक्सिंग मास्टरिंग इज वेरी क्लीन वेरी क्रिस्टल, मेरे को कई एक आध जगह पे मेरे को थोड़ा सा ग्लिच था कि भाई यहाँ पे ये थोड़ी बेटर हो सकती थी, एक सेकेंड ना यस। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि मिक्सिंग मास्टरिंग बहुत क्लीन है, क्रिस्टल क्लियर है, एक जगह पे इशू है मैं आपको बताता हूँ, लिरिकली बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा और अच्छा होगा या कुछ, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज दैट वॉज माई एक्सपेक्टेशन। ये गाना डेफिनेटली नहीं चलेगा, उसका एक रीज़न है मैं आपको बताता हूँ, उसका रीज़न ये है कि लोगों को सोशल टॉपिक्स सुनने की आदत नहीं है,
अगर आप अगर वो आई एम सो सॉरी यार, माय लाइट से फक्ट अप यार, आई एम सो सॉरी, ये लाइट को भी लगता है छोड़ डालना पड़ेगा, आई एम टर्निंग इट ऑफ, हाँ सॉरी। तो जो भी गाने में आप सुनोगे, जो भी गाने में यूजुअली सोशल टॉपिक्स के ऊपर बात होती है, वो गाने कभी नहीं चलते बिकॉज पीपल डोंट वांट टू हियर इट, सिंपल। ठीक है, ये गाने में वो रिहाब वो स्टोरी बता रहा है, रिहाब की अबाउट वेयर यू विल एंड अप एंड व्हाट ही डिड एंड ऑल दैट स्टफ। आई प्रॉमिस और आई थिंक ये गाना 10 मिलियन के ऊपर भी नहीं जाएगा, और अगर चला जाएगा तो प्लीज़ मेरे को बता देना, आई विल टेक माई वर्ड्स बैक। जो भी कमेंट करके मेरे को बताएगा मैं उस पर रिवर्ट भी करूँगा, ओके माई बैड, आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग, ओके। लेकिन ये नहीं चलेगा, रीजन मैंने आपको बताया कि बिकॉज पीपल नेवर वॉन्ट टू अप्रिशिएट सोशल टॉपिक सॉन्ग्स, या आप जो भी सोशल टॉपिक के ऊपर बात करोगे वो नहीं चलेगा। ठीक है, अबाउट फ्लो एंड डिलीवरी वेरी गुड, वो चॉपर फ्लो कंटिन्यू चल रहा है, मार दला ये बहुत सिंप्लीफाइड लग रहा है, बट इतना सिंप्लीफाइड नहीं है। ये यूजली क्या होता है, जब आप राइटिंग में जब आप लिरिक्स लिखते हो वो वक्त के ऊपर ही आपको डिसाइड करना पड़ता है कि भाई ये फ्लो रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, आप लिख लोगे बाद में बोलोगे नहीं मैं कॉमा ऐड करके यहाँ पे पॉज दे दूंगा, ये बीट छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप अगर आप गाना लिख रहे हो ना, तो गाना लिखने के लिए दो चीज विजन में रखो, एक गाना आपको प्रेजेंट कैसा करना है वीडियो के हिसाब से, सेकेंडली आपको आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप क्या क्या माइंडसेट में रहोगे, आपकी पर्सनैलिटी क्या रहेगी, आपका पर्सोना क्या रहेगा, मतलब आप सीरियस जाओगे, आप इंटेंसिव जाओगे, एग्रेसिव जाओगे। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मैं एग्रेसिव रैप बहुत अच्छा करता हूँ, बट जब माइक पे आते हैं तो एग्रेसिव साउंड ही नहीं करते, दैट इज नो इमोशन। क्योंकि आपके बोलने से और डिलीवर करने से बहुत फर्क होता है। आप माइंड थॉट में माइंड में रखोगे ओ आई विल बी नेक्स्ट एलन मस्क टुमारो, आप कुछ कर ही नहीं रहो, कुछ उखाड़ ही नहीं रहो, तो क्या बनोगे, यू नो व्हाट आई मीन। तो जब आप कभी भी आप गाना रिकॉर्ड करने के लिए दो चीज दिमाग में रखो, एक विजन कि आपको गाना कैसा प्रेजेंट करना है वीडियो वाइज, तो आपको एक क्लियर पिक्चर रहेगा कि नहीं भाई मेरे को ये गाना इस तरीके से लेके जाना है। सेकेंडली आपका केडेंस आप डिसाइड करो, आपका इमोशन डिसाइड करो कि आपको एग्रेसिव जाना है, कॉमिकल जाना है, थोड़ा स्टाइल में जाना है, स्वैग में जाना है। बहुत सारे लोगों को ट्राई करते कि वो फेक एक्शन ट्राई करते, अगर आपको फेक एक्शन ट्राई करना है तो आप ओल्ड स्कूल बीट पे ट्राई करना, ट्रैप पे मत करना। ओवरऑल सॉन्ग वॉज ओके, इट वॉज नॉट दैट ग्रेट, बट आई लाइक्ड इट। एक दो बार मैं गाना और सुनूंगा, और मैं गाना कभी भी रिएक्ट करता हूँ फर्स्ट लिसन में रिएक्ट करता हूँ मैं, दूसरे लोगों की तरह या दूसरे रिएक्शन चैनल की तरह 15-20 बार सुन के फिर उसके नुक्ताचीनी करो, फिर उसके ये ढूंढ के निकालो, वो खुराफत ढूंढ के निकालो, नहीं। जो वन गो में मजा है वो वन गो में मजा है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा था कि एक टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पे 209 के पास में, एक मिनट जितने भी एरिया के लड़के लोग सुन रहे ले मेको नशा के दर पे नहीं ले जाएगा तेको हॉस्पिटल। यहाँ पे आप सुने उसने एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया है ताकि उसको बार बार सेम चीज खींचना नहीं पड़े। जितने भी एरिया के लड़के लोग सुन रहे मेरे को। लेकिन वहां पे बार ड्रॉप होगा, बार खत्म हो जाए, बट व्हाट ही डिड स्मार्ट इनफ, ये 1.1 रेशियो बोलते हैं इसको। 1.1 रेशियो इज कि आपकी एक चार मेट्रोनोम की बीट खत्म हो रही है प्लस फिर भी आप फिफ्थ यूज कर रहे हो, तो दैट इज 5:8 नोट पे चल रहा है। ठीक है, इतना ही पार्ट अगर आप सुनोगे बराबर तो। बुरा संगत में ना छोड़ डाला, छोड़ डाला। जितने भी एरिया के लड़के लोग सुन रहे ले मैं को नशा की दर पे नहीं ले जाएगा तेको स्पीड करा बातें आज नो कैप ले जाएगा एक ही जगह वो एरिया उससे अच्छा अभी से सुधार सुन मेरे जिगर तेरा तू लिकार मिटाने फिकर पर मिट रेला तू होश में रहने को डर रे ला। तो जब आप लोगों ने देखे मैंने बार मैंने मेट्रोनोम काउंट किया तो फिफ्थ नोट पे या 5:8 के सिग्नेचर पे वो उसका बार एंड हो रहा है। ठीक है, यूजली ये स्मार्ट टैक्टिक्स नहीं है, अगर आप प्रॉपरली अगर आप और रिफाइंड होकर अगर बीच में सुनोगे तो ने भी एरिया के लड़के लोग सुन रहे ले मैं को नशा के दर पे नहीं ले जाएगा तेको स्पीड करा बातें आज नो कैप ले जाएगा एक ही जगह वो एरिया उससे अच्छा रिहैब। यहाँ पे एक बार वो टेक कट हुआ होगा फॉर श्योर, वहां से चालू वापिस सॉरी वहां से वापिस रिकॉर्डिंग कंटिन्यूएशन करके पीछे टाइमलाइन किया हुआ है ताकि बराबर अगर आप सुनोगे तो 8:8 पे ही गिर रहा है बराबर। स्पीड करा बातें आज नो कैप ले जाएगा एक ही जगह वो रिहैब उससे अच्छा अभी से सुधार सुन मेरे। बहुत सारे आर्टिस्ट लोग क्या करते कि वो 8:8 के पहले कर देते या तो उसके बाद में गिराते, भाई ने क्या किए 8:8 के हाफ सेमी टोन के ऊपर बीच में ही गिरा दिए ताकि वो आपको कंटिन्यूएशन भी साउंड करे। स्मार्ट मिक्सिंग है, बहुत स्मार्ट मिक्सिंग है, कंटिन्यूएशन भी साउंड करे, आपको ऑन पॉइंट भी साउंड करे, वो टाइमलाइन से ऑफ भी नहीं साउंड करे और एकदम
ऐसा लगेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं बीच में कट हुआ है। ले जाएंगे एक ही जगह वो एरिया, उससे अच्छा अभी से सुधार, सुन मेरे जिगर, तेरा तू निकार, मिटा दे फिकर पर मिटरेला तू। ये वाला वर्स बहुत अच्छा, सेकंड वर्स इज मच बेटर। अगर ये सेकंड वर्स फर्स्ट वर्स की जगह पे होता तो और ज्यादा गाना सेंसिटिव होता और एक लिसनर को एक और एक एक्सपीरियंस मिलता था कि नहीं भाई गाना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट चालू हो रहा है कि नहीं। ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल द रॉन्गफुल जो हैपनिंग इन द सोसाइटीज एंड ऑल दैट स्टफ, पीपल आर इनटू ड्रग्स एंड अब्यूज एंड ऑल दैट। सी आई नेवर इन्फ्लुएंस एंड आई विल नेवर इन्फ्लुएंस इंशाल्लाह। मेरे को रिसेंटली रमजान के टाइम पे मेरे को एक प्रमोशन आया था फ्रॉम वन ऑफ द बेटिंग कंपनी एंड दे आर पेइंग मी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड दे आर पेइंग मी, बट मैंने मना कर दिया। मैं बोला नहीं, मैं अल्कोहल प्रोस्टिट्यूशन गैम्बलिंग ये सब मेरे को एंडोर्स नहीं करूंगा मैं। एंड ही जस्ट लाइक यार आपको एक 20 सेकंड का शॉर्ट्स बनाना है, आपको डाल देना है, 20 सेकंड का शॉर्ट्स बना के डाल दो, आपके जो कूपन कोड पर जो भी लोग यूज करेंगे आपको वो कट मिलेगा। अच्छा लाइक आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू इट, ये टिपिकल हराम चीज़ है, मेरे को नहीं इसमें पढ़ना है, ठीक है। प्योर आई डोंट वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस पीपल फॉर द रॉन्ग रीजन, स्पेशली इन टू गैम्बलिंग एंड विच हम लोग की फंडामेंट्स में ही नहीं है, मेरे में नहीं। तो आज मैं उसका 40-50 हज़ार रुपया कमा लूंगा, कल को वही मेरे को 3-4 लाख रुपए का नुकसान दे देगा, जो मेरे को नहीं करना, ठीक है। तो द रीजन वुड टू से दिस इज स्टे वाइज एज वेल, बी ऑन योर एथिक्स, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वही आपकी रोजी रोटी है, वही आपको इन्फ्लुएंस करके बहुत पैसा कमा के देगा, तो अल्लाह बहुत बड़ा है, आपके साथ में और इंशाल्लाह अगर भगवान ने चाहा या अल्लाह ने चाहा या गॉड ने चाहा तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन दैट्स शॉर्ट टर्म। और एक रिसेंटली न्यूज भी आई है कि एमी वे बंटा है और यो हनी सिंह का एक कोलैब आने वाला है। आई एम नॉट श्योर दैट्स ट्रू, दैट्स फॉल्स, दैट्स एलिगेशन, दैट्स फेक न्यूज, मेरे को नहीं पता, बट यस दैट्स लॉट ऑफ हीट गोइंग ऑन दिस, ठीक है। तो ओवरऑल सॉन्ग इज क्वाइट गुड, 3-4 बार और सुनूंगा मैं इसको टू अंडरस्टैंड मच बेटर कि क्या विजन से गाना था और क्या माइंडसेट से था। आई नो मेरी वीडियो क्लैरिटी बहुत वैक है, ठीक है। आज पता नहीं, मैं एक महीने के बाद मैंने ये सब सेटअप वापस किया हूँ, बिकॉज एज आई सेड इन रमदान आई डोंट डू एनी ऑफ द म्यूजिक स्टफ। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे, नई लाइट्स भी आ जाएगी बहुत जल्दी। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट, इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर रिएक्ट गोइंग पब्लिक, ठीक है। उसका रीजन ये, इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर रिएक्ट मी माई टीम, मैं और मेरी टीम बहुत बड़ी टीम है, एक जन की पैट्रिक, ठीक है, और राहुल होगा शायद। हम लोग अभी पब्लिक जाएंगे, वी विल गेट इन टू पीपल, वी विल स्टार्ट टेकिंग इंटरव्यूज, वी विल टॉक अबाउट म्यूजिक, वी विल टॉक अबाउट शफल या मोबाइल, एक कुछ नया गेम करेंगे, वी विल टॉक अबाउट रैपिंग, वी विल टॉक अबाउट देयर सेंसेस, वी वांट टू नो। मेरे को अभी इट्स टाइम टू गेट इन टू ग्रास रूट ऑफ द इशूज, मेरे को जानना है कि वॉट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द DHH, IHH, और क्या विजन है लोगों का और क्या सोच के नए नए लोग रैपिंग में आते हैं। इंशाल्लाह वो बहुत प्लानिंग में चल रहा है, थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं उसके लिए मेरे को, इन द सेंस पब्लिक स्पीकिंग, माइक एंड ऑल दैट स्टफ, वो लूंगा। आप मेरे को डेफिनेटली आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कौन से स्पॉट पे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किधर जाके मैं ट्राई आउट करूँ। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, एनकरेज किया, और अगर मेरा बजट बढ़ा, आई प्रॉमिस आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड, इफ आई से दैट्स माई प्रॉमिस, बट इफ आई से प्रॉमिस द वो 70 की लकीर है, मैं मुंबई के बाहर भी आऊंगा फॉर श्योर। आई विल कम टू पुणे, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, वेर एवर पीपल विल इन्वाइट मी, आई विल गो देयर, ठीक है। तो आई एम ओपन, बिंदास मेरे को बताना, बट आई विल ट्राई आउट फर्स्ट, कुछ 3-4 एपिसोड डालेंगे, रिएक्शन के साथ साथ भी चलते रहेंगे। और इंशाल्लाह गॉड ब्लेस यू वंस अगेन, ईद मुबारक आप सबको मेरे भाइयों, माय पीपल हु हैव सब्सक्राइब मी, लव यू ऑल। आप एम सी स्टैन फैन हो, आप कृष्णा फैन हो, आप डिवाइन फैन हो, आप एम वी वनटाई फैन हो, आप बेला फैन हो, आप जो भी फैन हो, आपने मेरे को कमेंट किया हो, कुछ भी किया हो, फिर भी आपको मेरे दिल से ईद मुबारक। और आई हैव ऑलवेज प्रेड फॉर एवरी वन ऑफ यू, 2600 सब्सक्राइबर है, मैंने सबके लिए दुआ किया हूँ कि अल्लाह आपको वो हर चीज़, आपकी जायज़ तमन्ना, जायज़ दुआएं आपकी कबूल फरमाए, आमीन। और इंशाल्लाह हमेशा दुआ करता रहूँगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, पीस आउट गाइज़, रिज़वेज़।